नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। डही नगर डही सहित ग्रामीण अंचलों में गणेश विसर्जन को लेकर मंगलवार को देर रात्रि तक चल समारोह निकाला। वहीं विशेष पूजन आरती के पश्चात विघ्नहर्ता को श्रद्धालुओं ने नम आंखों से बप्पा को विदाई दी और कामना की कि अगले बरस तू जल्दी आ के साथ मूर्तियों का विसर्जन किया गया। डही नगर के मंडल वंदी मातरम ग्रुप, ओम ग्रुप, महाकाल ग्रुप एवं अन्य मंडल के सदस्य द्वारा गणेश जी की 10 दिनों तक वंदना की। अंतिम समय क्या बच्चे क्या बूढ़े एवं महिलाओं ने नम आंखों से अपने प्रिय गणेश जी को विदा किया। गणेश उत्सव एक त्योहार नहीं बल्कि भक्तों की भावनाओं से जुड़ा पर्व है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब गणेश जी 10 दिनों के लिए विराजमान होते हैं तो अपने साथ सुख समृद्धि और शांति को अपने साथ लेकर आते हैं और जब विदा होते हैं तो विपत्ति परेशानी और दुख लेकर अपने साथ वापस जाते हैं। वहीं चेतन गुप्ता का कहना है कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन केवल एक माध्यम है अगले बरस अपने प्रभु से मिलने का, जिसका भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रतिमा विसर्जन करने का एक उद्देश्य ये भी है कि मनुष्य ये समझ ले कि जीवन एक चक्र के समान है। पृथ्वी पर जो भी प्राणी जन्म लेकर आया है उसे निश्चित रूप से जाना ही है। विसर्जन का अर्थ है मोह से मुक्ति, अपने अंदर जो मोह है उसे मुक्त हो और उसे ही विसर्जन कहते हैं। वहीं प्रतिमाओं का विसर्जन नगर डही के तालाबों एवं नदियों में किया गया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए डही से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट।